बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन वेजिटेबल के साथ लेकर आए हैं सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनी थी। इसके लिए मैंने चिकन लिया था थोड़ा सा, उसको मैंने बॉईल किया है, बॉईल किया और बहुत अच्छा सॉफ्ट इसे बॉईल किया है, बहुत नरम किया है मैंने। ये ज़्यादा उबाला है, काफ़ी टाइम लिया था इसने। और उसके बाद मैंने इसको ठंडा करने के बाद इस तरह बारीक बारीक आपके सामने रेशेदार इसे कर लिया है। और यहाँ पे मैं मायोनीज इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि 2 चम्मच इसमें मैं मायोनीज ऐड करूँगी। एक बार आपको फिर बता दूँ, चिकन को बहुत अच्छा सा सॉफ्ट आपने उबालना है, नरम होना चाहिए चिकन। और यहाँ पे मैं चिली गार्लिक जो केचप है वो ऐड कर रही हूँ, और ये 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। इसके साथ साथ मैंने दरदरी से ये काली मिर्च काटी है, जो कि मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। और साथ मैंने बारीक सी बंद गोभी बहुत बारीक काटी है, देख रहे हैं आप कितनी बारीक है। इसी तरह मैंने बहुत बारीक सी ये गाजर ली है थोड़ी सी, और इसको मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। और ये दोनों सब्ज़ियाँ हमने इसमें ऐड कर ली हैं, तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें और कुछ नहीं ऐड करेंगे, बस इन चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छी सी फिलिंग हम तैयार कर लेंगे सैंडविच की। तो यहाँ ये बहुत अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है, ये देख लें इस तरह। और ब्रेड जो है हमने बहुत इनकी साइड्स जो हैं काट ली हैं पहले से। इसमें मायोनीज हम लगाएंगे थोड़ी सी, ये इस तरह आप लगा लेंगे। और यहाँ पे जो हमने इसकी फिलिंग चिकन और वेजिटेबल्स के साथ जो मायोनीज के साथ बनाई है, वो इस पे हम लगाएंगे बहुत अच्छी सी। इस तरह ये हर साइड पे लगा लें। और दूसरा जो हमने ब्रेड का जो पीस है उसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। और केचप यहाँ आप अपने हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा पसंद करते हैं आप कर लें, तो मैं यहाँ पर केचप लगा रही हूँ। और यहाँ पे इसको हम इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे, तो हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। अगर बच्चे आपके सैलड पसंद करते हैं तो इस पे हम खीरा रखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सैलड नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे हमने खीरा रख दिया है और ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है सैंडविच। तो हम इसके बीच में से इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैंने ये कट कर लिया है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितना गुड लुकिंग हमारा सैंडविच यहाँ पे रेडी हो गया है। टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त बना था ये, और आप ज़रूर हमारी तरीके से सैंडविच बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा टेस्ट वाइज। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो साथ अपना हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे आज के सैंडविच कैसे बने हैं।